अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है ना हम HP का हमारे पास कंप्यूटर है, ये देखें इसकी जो है ना हम रैम्स वगैरह जो है ना इनको देखेंगे किस तरह लगाते हैं और इसको कैसे क्लीन करते हैं। जब आपका कंप्यूटर ना चले तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि कंप्यूटर का जो है ना इसको ओपन करना है, केबल वगैरह पहले आपने उतार देनी है, वो LCD भी उतार देनी है। उसके बाद इसको इसके टापे को उतारना है और ये देखें ये इसके अंदर जो है ना चार रैम्स हैं और चार स्लोटेज हैं। जो स्लोटेज चार हैं यानी कि हम चार रैम्स लगा सकते हैं। ये जो है ना 2 GB की, 1 GB की, 4 GB की, 8 GB की, जितनी मर्जी जो है ना रैम्स हम इसके अंदर यानी कि लगा सकते हैं। चार स्लोटेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए हम इसको ये जो है ना ऊपर करेंगे और ये इसको भी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये क्लियरली तौर पर ये देखे नज़र आएंगी। और इसके बाद जो है ना ये रैम, ये देखें फर्स्ट रैम है, इसको इस लोड को हम निकालेंगे आहिस्ता से आराम से। ये देखें जी, ये देखें जी, ये पहली रैम जो है निकल चुकी है और ये रैम भी जो है ना क्लीन है तकरीबन, लेकिन ये फिर भी चल नहीं रहा, तो इसकी हम सफाई वगैरह करेंगे। और ये देखें, ये 2 GB की शायद रैम है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट रैम को निकालेंगे जी। ये देखें, जी दोस्तों, ये देखें ये भी रैम निकल चुकी है और इसकी भी कंडीशन तकरीबन ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड रैम जो है वो निकालेंगे। तो दोस्तों इसकी भी कंडीशन ठीक ही लग रही है, लेकिन जो स्लोटेज है ना ये देखें, ये मेरे ख्याल से मसला है कि ये जो है ना क्लीन इनको किया जाएगा तो फिर जो है कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी ये लास्ट वाले थोड़ी मुश्किल निकल रही है। जी दोस्तों ये देखें जी, ये भी शायद ये किसी और कंपनी की इस वजह से ना चल रहा हो, तो ये देख लेते हैं बाद में। इसके बाद जो है ना ये चार स्लोटेज हैं, इनको एक एक ब्रश ले लेना है, एक ब्रश ले लेना है हमने, इसके साथ जो है ना इसको क्लीन करेंगे। तो ये देखें जी, ये काफ़ी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो ये क्लीन कर लेते हैं जी। ये देखें जी, पहली जो दो स्लोट हैं इनको क्लीन किया तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। जो थर्ड और फोर्थ है ये इसके अंदर अभी धूल घट्टा जो अवेलेबल है, तो इस वजह से शायद ये नहीं चल रहा था कंप्यूटर। तो अभी हम ये जो थर्ड है इसको भी क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद रैम को लगाएंगे तो फिर जो है इंशाल्लाह हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। जी तो दोस्तों ये जो हमारी स्लोटेज हैं ये क्लियरली तौर पर क्लीन हो चुकी हैं। और इसके बाद जो है ना ये हमारी रैम्स हैं, इनको भी जो है हम एक बार साफ कर लेते हैं एक कपड़े के साथ। तो ये देखें जी, बस ये तकरीबन जो है ना साफ हो चुकी है और ये जस्ट ये नीचे से साफ करनी है, क्योंकि ये है ना इससे ही ये रैम जो है ना चलती है। तो इसके बाद हम जो है रैम को ये देखें क्लीन हो चुकी है और इसके बाद ये बिल्कुल क्लीन लग रही है इस वक्त, तो स्लोट भी क्लीन है। तो इसके बाद हम रैम को जो है ना लगाएंगे।
ये लास्ट वाली रैम जो है ना लगाते वक्त थोड़ी सी मुश्किल आती है। ये देखें इसको जोर से दबाना है तो ये लग जाएगी, तो इधर से भी इसको जोर से दबाएंगे ये भी लग जाएगी। तो ये देखें अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना इसको भी हम लगाते हैं जी। ये लगाने के बाद जोर से दबाना, ये देखें ये फिट हो जाएगी इधर से भी ऐसे ही होगा। तो इसके बाद ये देख लेते हैं जी, ये देखें जी ये लगाने के बाद जोर से दबाना पड़ता है तो ये फिट हो जाती है। ये रैम लगाने का सिंपल सा तरीका है, ये देखें जी जोर से दबाना है जी। तो दोस्तों ये हमारी रैम जो है क्लियरली तौर पे इनका कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है। तो अब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो है ना कंप्यूटर इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो इस वक्त वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है तो इस वजह से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।